हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आपको पीले रंग के फल दिखाई दे रहा है, इसे गलगल कहते हैं। ये एक सिट्रस लेमन की वैरायटी है जो हमारे पहाड़ी इलाके जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये उन्हीं इलाकों में पाया जाता है। वहाँ पर खासकर इनकी खेती भी की जाती है, क्योंकि इनका यूज़ ज़्यादातर मुरब्बे, लेमनेड और सबसे ज़्यादा खासकर अचार बनाने के लिए किया जाता है। तो इस अगर फल की बात करें तो ये फल देखिए वजन में कितना भारी होता है कि ये अपने आप ही इसकी टहनियाँ नीचे ज़मीन पर लटक के आ जाती हैं, और कुछ फल खुद ब खुद ही गिर जाते हैं, पकने के बाद अपने आप ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। क्योंकि ये एक लेमन की वैरायटी है, इसलिए इसमें विटामिन सी पूरी अच्छे से भरपूर मात्रा में होता है। और क्योंकि ये नींबू की ही वैरायटी है, इससे इसके जो पत्ते हैं वो भी उसी तरह हैं, और इसमें कांटे भी होते हैं। इस पेड़ में आपको कांटे देखने को भी मिलेंगे। और देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे पिंक कलर के पहले फूल खिलता है। वो फूल इतना खुशबूदार होता है कि उस फूल का भी यूज़ किया जाता है। जो आपके फ्रेग्रेंस ऑयल्स बनते हैं, जो तेल बनते हैं, उनमें भी इस फूलों का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऐसे पौधे को, ऐसे पेड़ को, गलगल के पेड़ को उगा सकते हैं, तो हाँ जी, ये बिल्कुल आसानी से आप इसे उगा सकते हैं। बीजों के द्वारा भी और कलम ग्राफ्टिंग से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बीज से सोच रहे हैं कि मैं बीज से इसे प्लांट करूं, तो आप एक पके हुए फल के बीज को निकाल के धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, फिर उसे आप अच्छी गार्डन सॉइल में प्लांट कीजिए, अच्छे से उसे धूप दीजिए, पानी दीजिए, आपको ये जर्मिनेट होके ज़रूर निकल के आएगा। और एक फल में आपको 15 से 18 बीज निकल के आते हैं। आप उन्हें सुखा लीजिए अच्छे से, और जो आपका पेड़ जो तैयार होगा, एक मैच्योर्ड ट्री तैयार होने में इसे 5 से 6 साल लगेंगे। ना तो इसे किसी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना ही इनमें ज़्यादा कोई ख़ास परेशानी आती है। और एक पेड़ आपको बहुत अच्छे से 125 से 150 फल तक दे देता है। तो जो वहाँ के गांव के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इस फल के रस को निकाल लेते हैं और उसे गर्म करके स्टोर करके रखते हैं, जिसे वो अपनी भाषा में चुप कहते हैं। और जो इसका निचोड़ने के बाद जो छिलका बचता है, वो ही अचार में यूज़ किया जाता है, उसी का फिर अचार बनाया जाता है। आप इस पूरे पेड़ को देखेंगे, जहाँ भी आपको नज़र जाएगी वहाँ पे ये पीले रंग के मोटे मोटे फल आपको लटके दिखाई देंगे, और ये साल में पूरे 12 महीने आपको अच्छे से फल देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस गलगल फल से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ इसके बीमारियों के बारे में, कुछ इसके आगे हार्वेस्टिंग या बीज के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।